मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है हेयर ग्रोथ। मेरे पास अक्सर शिकायतें आती रहती हैं, माताएं बहनें बोलती रहती हैं कि मेरे बाल कमर तक थे और एक बार किसी के बहकावे में मैंने कटिंग करवा लिया कंधे तक, अब वो बढ़ते ही नहीं। मैंने बहुत सारे उपाय कर रखे, बहुत सारे प्रकार के तेल लगाए, लेकिन बाल बढ़ते ही नहीं। तो ये परेशानी मैं समझता हूं कि बहुत सारी माताओं बहनों की होगी और मैं देखता भी हूं कि एक बार कटिंग करवा ली तब वो बाल बढ़ ही नहीं रहे। कई पेशेंट ने भी मुझसे इसके बारे में हल पूछा, तो मैं ऐसी दवा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो इस मौसम में आसानी से उपलब्ध है, घरेलू दवा है और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिनको भी शिकायत है कि मेरे बाल बढ़ते नहीं है, तो वो लोग इस दवा का सेवन करें, निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलेगा। तो दो चीजें ले लीजिए, एक तो है आंवला चूर्ण। आंवला चूर्ण के बारे में सभी जानते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है किसी भी दुकान पर, तो आंवला चूर्ण ले लें। और आजकल का मौसम है आम का, आम खाने के बाद गुठलियां फेंक देते हैं, तो वो गुठलियां आप फेंके नहीं, गुठली तोड़ लें तो आम की गिरी मिल जाएगी। गुठली तोड़ने के बाद उसमें गिरी मिलती है और वो बालों के लिए बहुत अच्छी दवा है, तो वो ले लें और सुखा करके उसको भी पीस लें। अगर कच्चे आम की गुठली लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वैसे जो भी मिले आप उसे ले लें। तो दो चीजें हो गई, एक तो आंवला चूर्ण और दूसरा आम की गुठली का चूर्ण। अब इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला लें और मिला करके आप एक जगह रख लें। अब बराबर मात्रा बोल दिया तो देखिए ये कमेंट मत करिए कितने कितने ग्राम। आप 100-100 ग्राम दोनों ले सकते हैं, 200-200 ग्राम दोनों ले सकते हैं, 1-1 किलो दोनों ले सकते हैं, यानी बराबर मात्रा में मिला करके और एक जगह रख लें। हफ्ते में एक दिन या दो दिन जैसे आपको मौका मिले, एक कटोरी में 1 या 2 चम्मच ये मिश्रण लेकर के और पानी में भिगा दें और मेहंदी की तरह से बालों में लगा दें। आधे घंटे, 20 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जो भी आपको सहूलियत हो, यानी थोड़े समय तक आप रुकिए और उसके बाद नहा लीजिए। इससे बाल बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपकी ये जो शिकायत है कि बाल कटाने के बाद में कंधे के आगे बढ़े ही नहीं, तो आपके बाल फिर से उतने ही लंबे हो जाएंगे जितने लंबे आपके बाल कटवाने के पहले। आशा है आप सब लोग इस दवा का लाभ लेंगे। और एक निवेदन है कि अगर आपको लाभ मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें और दूसरों को भी बताएं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन ये निवेदन जरूर करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी दवाइयां अच्छी लगें, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय आयुर्वेद, जय धर्म।